है हत्याकांड में अभी अदालती फैसला है, लोअर सेशन कोर्ट का फैसला है, अभी मुख्तार इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे, अब पता चलेगा कि सजा पर कितना अमल सही है कितना गलत है। इस फैसले को चैलेंज करने का अधिकार है उनके पास, अभी दो अदालतें शेष हैं, पहली अदालत से उन्हें जो है सजा हुई है और ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है। अगर सबूत पुख्ता होंगे तो हाई कोर्ट से भी ये संभव है। ये एक तरह से देर आए दुरुस्त आए, वादी मुकदमा को न्याय मिला, भले ही 30 साल बाद न्याय मिला, लेकिन एक प्रक्रिया में उसको सजा हुई है और ये बिल्कुल न्यायपालिका के लिए बधाई का मैसेज होना चाहिए कि न्यायपालिका ने सम्यक विवेचना साक्ष्य संकलन करके उनको सजा सुनाई है। और ये ऐसे लोग हैं जो समाज को और न्यायपालिका तक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए न्याय मिलने में देरी हुई है और भाजपा ने पूरा प्रयास किया है कि त्वरित न्याय मिले और अपराधी को सजा हो, उस प्रक्रिया में इनको सजा हुई है और बिल्कुल न्यायोचित है। देखिए, अदालतें जो हमारी चलती हैं वो साक्ष्य सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा पंचनामा और FIR के आधार पर चलती है, और अवधेश राय हत्याकांड में पुख्ता सबूत रहे और गवाही जो रही वो भी पुख्ता रही, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा हुई। अदालत ने कोई गलत फैसला नहीं किया, अदालत ने सही किया है। रह गई, अगर उनको इस हत्याकांड में सजा मिली है तो उनके लिए अभी क्रिमिनल अपील का भी रास्ता खुला हुआ है और फैसले की समीक्षा करवा सकते हैं अपील के माध्यम से। देखिए, ऐसा है, मुख्तार अंसारी एक बाहुबली और माफिया है जिसके अंडर में पिछली गवर्नमेंटें भी हुआ करती थी, और अवधेश राय पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और आज भी उनका जो भाई वगैरह पूरा परिवार है कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता हैं। परंतु जब जब कांग्रेस की सहायता से सरकारें रही या कांग्रेस की व्यक्तिगत सरकार रही, चाहे सपा की हो चाहे बसपा की हो, तब भी आज तक न्याय की प्रणाली को बाधित करते हुए माफिया को कुछ नहीं हुआ, लिंगारान किया गया। परंतु वर्तमान सरकार की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था का उस खुली छूट और सहयोग बिना किसी दबाव के कार्य करने का मौका मिलने की वजह से जो भी ये सजा हुई बिल्कुल सही हुई, और ऐसी सजाएं अगर नहीं होंगी समाज में तो माफिया पनपेंगे, गरीब आदमी कुचला जाएगा और कहीं ना कहीं अपराध की बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल सही सजा हुई और ये सजाएं होती रहनी चाहिए ऐसे माफियाओं के द्वारा। कल लखनऊ कचहरी में भी मुख्तार अंसारी के गुर्गे जीवा गैंगस्टर की हत्या हो रही है हुई है, और हत्या करने वाला भी कोई सुपारी किलर ही है। कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे भी कोई ना कोई बड़ी शक्ति है, और निश्चित तौर पे जो व्यक्ति पकड़ा गया है इस घटना पे उसको भी सजा मिलेगी और न्याय प्रक्रिया से सही सजा मिलेगी। परंतु इसके बाद भी अपराध रुक नहीं रहे हैं, वकीलों को विशेष करके खतरा है, न्यायालयों के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सुरक्षा की होने के बाद भी चूक हो रही है, सिस्टम को भी और सुधारने की आवश्यकता है और प्रदेश गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो अदालत का काम है, अदालत ने अगर पाया है कि उसने हत्या किया है, दोषी है, तो सजा सुनाई, बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा होना भी चाहिए। अदालत का सम्मान हमेशा बरकरार रहता है, अदालत के प्रति विश्वास पैदा होता है, अपराधियों को इसी तरह सजा मिलती रहे, बहुत अच्छा काम है। सरकार ने जो नियम के विरुद्ध जो है देखा उनको कि ये आरोपी हैं, उनके ऊपर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा सुनाई, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो कांग्रेस का गवर्नमेंट कभी भी नहीं कर सकती है,
और न कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आती तो इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाती। जो सरकार कर रही है नियम के विरुद्ध जो है अच्छा कार्य कर रही है, उनको ऐसा ही करना चाहिए सरकार को, तभी ये कुख्यात अपराधी जो है यहाँ से समाप्त होंगे। असल में अपराधी अपराधी ही होता है, अपराधी अपराधी होता है, तो जो भी सरकार ने निर्णय लिया है उसका अपराधी के खिलाफ सही निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को यदि अनेबल कोर्ट द्वारा सजा नहीं दी जाएगी तो जो समाज में जो फल फूल रहे हैं अपराधी, तो उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। इस तरह से उम्र कैद की सज़ा क्या है, हमें तो हमारे विचार से तो ऐसा होना चाहिए कि फांसी की सज़ा होना चाहिए। मुख्तार अंसारी को जो सज़ा सुनाई गई कानून के हित में थी, वो खुद अपराधी है। जो कांग्रेस नेता को मारा उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाया। जो भी भाजपा गवर्नमेंट ने किया बहुत अच्छा किया, जो समाज के और कानून दोनों के हित में। जी ये न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका से पीड़ित पक्ष को उम्मीद रही होगी और न्यायपालिका ने अपना कार्य किया, उसको दोषी पाया और उसको उम्र कैद की सजा हुई। देखिए आज के समय में जो सरकार हमारी चल रही है, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय एपीजी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से गुंडा और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके पूर्व की सरकारों ने ऐसे गुंडा माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं पाती थी, गवाहों की हत्या कर जाती थी, एविडेंस खत्म कर जाते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है माननीय नेतृत्व में, तब से लेकर के अब इस समय सबको संरक्षण प्राप्त है, सबकी सुरक्षा व्यवस्था देते हुए कानून का राज कायम करते हुए ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है। इसमें न किसी गवाह बन पा रहा है, न गुंडे माफिया गवाह बना पा रहे हैं। इसकी किसी भाजपा की सुशासन की राज्य की देन है कि आज ऐसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया का जो सजा हुआ है वो तो बहुत ही सराहनीय कदम है कोर्ट का। कोर्ट को बधाई कि कोर्ट ने जो है ऐसा सही समय पर सही निर्णय लिया है, ऐसे गुंडे माफियाओं को कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है वो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सुशासन का इस तरह से सुशासन चल रहा है। आपने देखा गुंडे माफिए सब या तो जेल में है या तो फिर जेल में है, इस तरह से आपने देखा हो। और मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से अवधेश राय जी की निर्मम हत्या की करवाया था, इसमें उनको ये जो आने में देरी हुई बहुत पहले उनको सजा हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जिस तरह से हमारा प्रदेश शासन की तरफ चल रहा है, जो उनकी जो उनको सजा मिली है बहुत ही न्यायालय ने बहुत अच्छा काम किया है। मुख्तार अंसारी को कैद की सजा होने पर क्या किया? देखिए जो ये निर्णय हुआ है यह तो इनके अपराध का बहुत पहले निर्णय हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई ऐसी सरकार नहीं थी कि जहाँ जुडिशियल को निर्णय लेने के बाद सुरक्षा दे। ऐसा लगता है कि कभी जुडिशियल में मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर कोई निर्णय दूंगा तो वर्तमान में जो सरकार केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में जो है मेरे निर्णय के बाद मुझे सुरक्षा भी मिलेगी। ऐसा तब हो रहा है जब यह सरकार है। ये बहुत अच्छी पहल है कोर्ट के द्वारा, जो भी उसको सजा मिली है ऐसे दंगाइयों को जेल के अंदर होना ही चाहिए, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। जो इस उत्तर प्रदेश में दंगाई है ऐसे लोगों को जेल या तो बाहर, यही रास्ता उनके लिए बड़ा अच्छा काम है, अच्छी पहल है सरकार की। जो कोर्ट ने सजा सुनाई है वो साक्षियों को और पत्रावली पर जो उपलब्ध अन्य चीज़ें रही हैं उसको देखते हुए मद्देनजर जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसका जो भी निर्णय है।
पूरी तरीके से सहमत है, अपराधियों के साथ तो न्याय करना ही होगा। अरे अपराधी तो था ही, अदालत ने जो भी न्याय दिया सही न्याय दिया। अदालत में तो सारे साक्ष्य मौजूद होते हैं, पत्रावली अवलोकन करने के बाद में अदालत साक्ष्य देने के बाद में अदालत आदेश देती है। अदालत ने कोई आदेश गलत थोड़ी दिया है, अदालत पूरी तरीके से सहमत है। अंसारी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं और इनको बहुत देर में सजा होनी चाहिए, सजा इनको बहुत पहले होनी चाहिए ताकि कई परिवार बच जाते इनके कहर से। तो इस तरह के अपराधियों के साथ में जो ये किया गया, मैं इसकी सराहना करता हूँ और इससे एक नजीर मिलेगी कि भविष्य में जो नए लोग अपराध की दुनिया में आना चाह रहे हैं वो शायद अपने कदम टिकेंगे। कोर्ट का फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। देखिए इस तरह से न्यायालय द्वारा सजा हुई है, ये न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो न्यायालय करता है वो सही करता है। न्यायालय आगे भी उनके तमाम उनके लिए रास्ते खुले हैं, अभी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और मुझे लगता है कि न्यायालय ने जो फैसला किया है वो उचित किया है। न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला करता है, सही किया है किया न्यायालय। कानून जो भी करता है वो करता है, याद क्या है कानून के द्वारा जो भी टीम का किया गया है वो सब कुछ सत्य है, उनको भी उम्र कैद कर सकती है मुख्तार अंसारी को। तो मेरी हिसाब से 100% सहमत है, मामले में लगभग सही है, ये गलत थोड़ी ना है। जो सजा सुनाई वो सही सुनाई गई, जो हत्या का आरोपी है उसको सजा देना अति आवश्यक। पहले द्वारा जो आदेश पारित किया गया वो सहमत है और इससे पूर्ण रूप से सहमत है। अगर उनको कोई गुरेज है तो अपीलेट कोर्ट से जाकर अपील कर सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि रह गई है और साथ को सही ढंग से नहीं देखा गया है तो ऑनलेबल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं। वरना जो सत्र न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया वो विसंगत है। इसी वर अपराधी ये कोर्ट का देखना कि किसी का साथ क्या है, समाज में अपराधी कहने से पक्ष नहीं घोषित होता, न्यायालय को सबूतों के आधार से चलता है। अगर पत्रावली में साथ को सबसे उनके विरुद्ध न्यायालय उनको दंडित करेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट ने जो भी फैसला सुनाया है वो पब्लिक में और समाज के हित में बहुत ही अच्छा है और इनको इतना लंबा समय नहीं खींचना चाहिए कोर्ट का, ना समय बर्बाद करना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत 24 आवर हो या तो 10-20 दिन से महीना भर के अंदर अंदर ऐसे सारे लोगों को ऐसे सकते हैं, इन सभी केसों की तुरंत सुनवाई होकर और उम्र कैद की सजा ना होकर ऐसे लोगों को तो फांसी होना ही जायज है। जो समाज के लिए काफी हानिकारक है और समाज में बहुत ही हीनियस क्राइम के और मोस्ट वांटेड ऐसे लोग हैं, इन लोगों को इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए, समय नहीं देना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है ऐसे जो भी व्यक्ति ऐसे हैं इनको तुरंत XYZ फैसला देना चाहिए, समय जनता का न्यायालय का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने निर्णय किया है वो एकदम सटीक निर्णय किया है, एक अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो अगर अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो सजा कम ही मिली है, फिर भी उम्र कैद हुई है, तब भी लोगों को सांत्वना मिली है जिनके साथ अत्याचार हुआ, के साथ परेशानियां हुई, मुख्तार अंसारी ने जो कुछ किया उसके हिसाब से फिर भी एक सांत्वनाजनक निर्णय है। कोर्ट के फैसले से हम बिल्कुल खुश हैं कि कोर्ट को निर्णय अच्छा दिया कोर्ट ने, लेकिन निर्णय बहुत देर हो गई, ऐसे निर्णय तो बहुत जल्दी हो जाने चाहिए, लेकिन ट्रायल में काफी समस्याएं हैं जिसके कारण जो है बहुत समय लगता है, फिर भी मैं कोर्ट की सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, देखिए इस तरीके से अपराधी जो संगठित अपराध करते थे उनके खिलाफ जब से ये सरकार आई है सबसे बराबर कार्रवाई हो रही, कोर्ट भी बराबर कार्रवाई कर रहा है और इसी तरीके से अपराधों का दमन होगा, अति आवश्यक है, बहुत अच्छा हुआ। स्वागत योग्य है कोर्ट का फैसला और ये बहुत पहले होना चाहिए था, अब तक तो इनको बंदे पर लटक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उम्र कैद हुआ है वो भी ठीक।